कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा लोक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि एक नई कहानी के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हो जाते हैं, लेकिन आज की जो कहानी हमने चुनी है ये कहानी है बुद्ध काल से। बुद्ध का काल मतलब महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध का काल। अब देखिए कि जब इतिहास रचता चलता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ घटित होती चलती हैं, और वो जो चीज़ें घटित होती चलती हैं उसके साथ कुछ आदर्श भी उत्पन्न होते हैं। आज ऐसे ही एक आदर्श को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कहानी के रूप में ये प्रयास है। वैसे बौद्ध साहित्य में जो यमकवग्ग है, इस यमकवग्ग में इस कहानी का उल्लेख भी मिलता है, और इसकी एक गाथा जो बड़ी प्रसिद्ध रही है वो गाथा भी आपको सुनाएंगे, लेकिन कहानी पहले शुरू करते हैं। देखिए, श्रावस्ती के पास में एक सेतव्य नाम का नगर था। श्रावस्ती में तथागत का वास्तव्य बहुत लंबे समय तक रहा। उस सेतव्य नगर में तीन भाई हुआ करते थे। एक का नाम था महाकाल, जो सबसे बड़ा था। एक का नाम था मध्यकाल, वो मंझिला था। और जो सबसे छोटा था उसका नाम था चुल्लकाल। तो ये तीनों भाई, महाकाल, मध्यकाल और चुल्लकाल, ये तीनों व्यापार व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन तीनों मिलकर व्यापार करते थे। तो इन्होंने आपस में एक ऐसी समझ बना ली थी कि महाकाल बड़ा और चुल्लकाल छोटा, ये दोनों आसपास के नगरों में जाकर कुछ चीज़ें खरीद कर लाते थे, या फिर वहाँ पर जो बाज़ार लगते थे उन बाज़ारों में उन चीज़ों को बेचते थे। लेकिन ये जो मध्यकाल था, ये गांव में ही, अपने ही नगर में, ये जो सब भाई लोग जो साहित्य, जो सामान लेकर आते थे, वो सामान को वो गांव में ही अपनी दुकान में उसे बेचता था। अब एक वक्त की बात है, महाकाल और चुल्लकाल ये दोनों दूसरे नगर में गए थे कुछ सामान लाने के लिए, जैसे आज भी लोग अन्य अन्य जगह से सामान बुलवाते हैं और अपने नगर में उसे बेचते हैं, क्योंकि वहाँ उत्पाद की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो ये महाकाल और चुल्लकाल वो सामान लेकर आ रहे थे, गाड़ियों में बड़ा कारवां था उनका। लेकिन वो आते हुए श्रावस्ती और जेतवन, इन दोनों के बीच में एक जगह थी रास्ते में, वहाँ पर रुक गए। शाम का वक्त था और बहुत सारे लोग श्रावस्ती से जेतवन की ओर जा रहे थे। अब ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि जेतवन में जब तथागत प्रवचन कर रहे हैं, देशना दे रहे हैं, कुछ बात समझा रहे हैं, तो लोग वहाँ पर जाया करते थे। इन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि हम तथागत की देशना सुनने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बस अब शाम तो हो ही गई है, आज की रात तो यही बिताना है और फिर सुबह से फिर अपना सफ़र शुरू करना है। तो ये महाकाल जो है, इस महाकाल ने चुल्लकाल, अपने छोटे भाई पर ये जिम्मेदारी दी कि भाई ये पूरा जो सामान है, ये सामान को तुम देखोगे, इसकी रक्षा करोगे और इस पर नज़र रखोगे, और मैं जाता हूँ, जरा तथागत की देशना सुनकर आता हूँ। अब महाकाल गए तथागत की देशना सुनने। तथागत इस वक्त दुख स्कंध पर देशना कर रहे थे। अब दुख स्कंध पर अगर तथागत देशना कर रहे हैं तो वो देशना सबके अपने जीवन के बिल्कुल आसपास की समस्याओं से जुड़ी बात थी। लोग तो प्रभावित हुए ही, महाकाल भी बहुत प्रभावित हुए, और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त तथागत से प्रार्थना की, अनुरोध किया कि तथागत आप मुझे अपने संघ में रख लीजिए, मैं आपका अनुगामी बनना चाहता हूँ। तो तथागत ऐसे तो किसी को अपना अनुगामी नहीं बनाते थे। उन्होंने कहा कि क्या
तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है तुम्हारे परिवार का जिससे तुमने ये अनुमति ली हो कि तुम दीक्षा लेना चाहते हो संघ की? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा छोटा भाई है। तो उन्होंने छोटे भाई को लेकर आए चुल्लकाल को और कहा, चुल्लकाल नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये बड़े भाई क्या करना चाह रहे हैं। उनको बड़े भाई का निर्णय वैसे पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब ये चाहते हैं तो करने दीजिए। लेकिन चुल्लकाल को लग रहा था कि बड़े भाई ने इस तरह से प्रवृत्त हो जाना अच्छी बात नहीं है, वो उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन अब महाकाल ने प्रवज्ञा ग्रहण कर ही ली, तो साथ ही साथ हुआ ये कि चुल्लकाल ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। वक्त बीतता गया, महाकाल स्मशान में बैठकर साधना करते थे और वहीं साधना करते 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 एक दिन वे अर्हत्व को प्राप्त कर गए। और चुल्लकाल वो विहार में रुकते थे, वो विहार में ही साधना करते थे। और चुल्लकाल के मन में एक बात थी कि मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी अपने भाई को इस बात के लिए तैयार कर ही लूँगा, उन्हें समझा ही लूँगा कि भाई इस काम में कुछ रखा नहीं है, हम लोग घर लौट कर चलें। और इसी समझ में, इसी सोच के साथ वो विहार में रहे। लेकिन भाई नहीं माने। अब वक्त बीतता गया और एक दिन स्थिति ये बनी कि सेतव्य नगर की ओर तथागत भिक्खु संघ के साथ चल दिए, जहाँ ये महाकाल और चुल्लकाल रहते थे, ये उनका नगर था। अभी भी उनका भाई जो मध्यकाल है वो वहीं पर गांव में था। सेतव्य नगर में पहुँचने के बाद हुआ ये कि वहाँ तथागत के प्रवचन, उनकी देशना, पूरा भिक्खु संघ रुका हुआ है, पूरे गांव में खबर फैली हुई है। तो इनके घर पर भी, मतलब महाकाल, चुल्लकाल और मध्यकाल के घर पर भी ये खबर पहुँची। ये खबर पहुँचने के बाद इनकी जो पत्नियाँ थी उन पत्नियों को भी ये पता चला। तो इन्होंने क्या किया कि भिक्खु संघ का भोजन अपने घर पे रखा। अब भिक्खु संघ का भोजन रखा तो व्यवस्था ये थी कि अब अगर बड़ा संघ भिक्खुओं का अगर किसी के घर भोजन के लिए जाता है तो वहाँ की व्यवस्था क्या है ये देखने के लिए एक भिक्षु को पहले पहुँचाया जाता है। तो एक भिक्षु को पहले पहुँचाए, तो इस बार जिनको पहुँचाने की बारी आई वो थे चुल्लकाल। चुल्लकाल से कहा गया कि आप जाओ और व्यवस्था देख कर आओ। तो चुल्लकाल गए घर। अब चुल्लकाल जैसे घर पहुँचे तो चुल्लकाल की जो पत्नियाँ थी, दो पत्नियाँ थी उनको, वो दोनों पत्नियाँ उनके इर्द गिर्द हो गई, उनको ताने कसने लगी। उसके बाद उनका जो चीवर है वो चीवर उन्होंने उतार लिया और उसको सफ़ेद कपड़े पहना दिया और सफ़ेद कपड़े पहना के उनको वापस पहुंचा दिया। अब सफ़ेद कपड़े पहनकर चुल्लकाल जो गए, तो चुल्लकाल के मन में तो ये बात थी ही नहीं, बुद्ध धम्म संघ के प्रति उनके मन में कोई खास श्रद्धा नहीं थी। तो बड़ी आसानी से उन्होंने वो चीवर उतार भी दिया, शुभ्र वस्त्र धारण कर लिया और फिर भिक्खु संघ के पास चले गए। भिक्खु संघ आया, भोजन दान हुआ, भोजन दान के बाद वे वापस चले गए। अब देखिए कि इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये तो हुई चुल्लकाल की बात। इसमें एक गाथा जो यमक वग्गों में मिलती है वो गाथा आपको सुनाते हैं, इस कहानी से जुड़ी हुई। देखिए होता क्या है कि जो कमज़ोर वृक्ष होता है, ये कमज़ोर वृक्ष तूफान में टिकता नहीं है, वो गिर जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यही बात चुल्लकाल के साथ हुई। देखिए गाथा यह है कि सुभानुपस्सिं विहरंतं इंद्रियेषु असुन्वुतं भोजनम्मि अमत्तयं कसितं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं व दुब्बलं। मतलब इसका ये हुआ कि जो व्यक्ति काम भोग में लीन रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन नहीं होती, उसके वश में नहीं होती, उसके कंट्रोल में नहीं होती, और जिसके पास भोजन की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता,
जो आलसी होता है, परिश्रम नहीं करता, कमजोर होता है मन से, ये जो मार है, बौद्ध साहित्य में मार ये बुराई की प्रवृत्ति को कहा जाता है, ये जो मार है ये उसे बिल्कुल वैसे ही गिरा देता है जैसे किसी कमजोर वृक्ष को तूफान गिरा देता है। तो ये हुई चुल्ल काल की बात। लेकिन इस बात में अब थोड़ा सा वक्त और बीतता है और 2-3 दिन के बाद फिर भिक्खु संघ को ये निमंत्रण देते हैं महाकाल के घर के लोग, चुल्ल काल के घर के लोग, क्योंकि इन्होंने ये काम चुल्ल काल पर किया और ये प्रयोग सफल हो गया। चुल्ल काल वापिस आ गए परिवार में, वो सांसारिक जीवन का हिस्सा बन गए। अब इन्होंने यही काम करना चाहा महाकाल के साथ कि महाकाल तो बड़े भाई हैं, उनको भी घर बुलाना चाहिए। तो इन्होंने भिक्खु संघ का फिर निमंत्रण दिया, भिक्खु संघ को बुलाया। अब भिक्खु संघ आया तो, लेकिन इस बार में हुआ ये कि वहां फिर एक भिक्षु को भेजा गया, लेकिन इस बार महाकाल नहीं गए, क्योंकि महाकाल की जो बारी थी वो इस बार उस घर को देखने को जाने की नहीं थी जहां भोजन होने वाला है भिक्खु संघ के लिए। तो महाकाल तो नहीं गए वहां, लेकिन फिर महाकाल गए उसके बाद भोजन के लिए पूरे भिक्खु संघ के साथ। भिक्खु संघ का भोजन हुआ और उसके बाद भिक्खु संघ तथागत के साथ वापिस हो गया। अब तथागत के साथ वापिस होने के बाद फिर चुल्ल काल को ये बात बड़ी कचोट रही थी कि मेरा बड़ा भाई बड़ा शिलवान है, वो अभी तक इस काम से ही लगा हुआ है, वो इस परिवार में नहीं आया। तो उनको थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया, उनको रोक लिया गया और तथागत आगे बढ़ गए, भिक्खु संघ आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर फिर सेतव्य नगर में एक सार्वजनिक जगह पर तथागत अपनी देशना देने लगे, लेकिन महाकाल को घर पर रोक लिया गया। महाकाल घर पर रुके तो उनकी पत्नियों ने, महाकाल की 8 पत्नियां थीं, तो महाकाल की पत्नियों ने उसको रोक लिया और रोकने के बाद उन्होंने उसके साथ वही करना चाहा जो चुल्ल काल की पत्नियों ने उनके साथ किया था। उन्होंने भी उनका चिवर निकालने की कोशिश की, उनको बड़े ताने कसे, उनको ये कहा कि भाई ये निकम्मा है, ये परिवार से भाग गया है, जिम्मेदारियों को नहीं वहन करना चाहता है, ऐसा करके उसको बड़ी रोकने की कोशिश की। लेकिन महाकाल बिल्कुल नहीं रुके, वे अर्हतों को प्राप्त कर गए थे और वो सांसारिक जीवन की उन परेशानियों को जानते थे और उस जीवन की तुच्छता को भी वो समझ गए थे। तो उन्होंने अपने बौद्धिक बल से, अपने मानसिक बल से उन सब के तानों को नकारा और वे वहाँ से बाहर निकले और सीधे वहाँ पर पहुँचे जहाँ तथागत प्रवचन कर रहे थे और वहीं जाकर भिक्खु संघ में पुनः शामिल हो गए। तो इसके साथ एक दूसरी गाथा तथागत ने कही और वो गाथा है ये है कि असुभानुपस्सिं विहरंतं इंद्रियेषु सुसंमुतं भोजनमिच मत्तयुं सद्धं आरद्धवीरयं तंग वे नप्प सहिति मारो वातो सेलं पब्बतं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति काम भोग में लीन नहीं रहता है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, भोजन की मात्रा में उसका अपना नियंत्रण होता है और भोजन की मात्रा का जिसको ज्ञान भी होता है, और जो आलसी नहीं होता, विशेष रूप से मार उसको किसी भी प्रकार से हिला नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई साधारण हवा हो या फिर कोई बड़ा तूफान हो, चट्टानों को नहीं हिला सकता। तो ये इस तरह से जो लोग अपने जीवन में एक बेहतर संकल्प कर लेते हैं, अगर उस संकल्प को पूरा करने के लिए चट्टान की तरह उस पर दृढ़ हो जाते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी बुराइयां उसे हिला नहीं सकती, उसे उसके संकल्प से डिगा नहीं सकती,
और इसलिए इस कहानी से जो बात उभर कर आती है कि हमने अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए बहुत ही दृढ़ होना होता है और ये दृढ़ता ही हमारी सफलता का कारण बनती है। आज की कहानी में यही रुकते हैं, फिर एक नई कहानी के साथ हम आपके साथ होंगे। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।